नमस्कार, मैं ललित। और क्या आप युद्ध में दूर बैठकर अपने दुश्मन को विस्फोट से नेस्तनाबूद कर सकते हैं, वो भी अगर डिवाइस पेजर है जिसका इस्तेमाल मैसेजिंग के लिए भी किया जाता है? तो इस वक्त युद्ध के मैदान से ये बड़ी खबर आ रही है, चौंकाने वाली खबर आ रही है। और अगर ये तकनीक कारगर होती है तो समझिए ना सिर्फ युद्ध का चेहरा बदल जाएगा बल्कि एक अघोषित विजेता जैसी स्थिति बन जाएगी। इसराइल लेबनान में पेजर के जरिए सिलसिलेवार विस्फोट की खबरें और वीडियो सामने आ रहे हैं। इसराइल के इसके पीछे होने का दावा किया जा रहा है। हालांकि हर बार की तरह जो इसराइल की सेना है या इसराइल की तरफ से जो जवाब आते हैं, उन्होंने इससे साफ इनकार कर दिया है। इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि हमले में 1,000 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। कहा यह भी जा रहा है कि ये इसराइल का हमला हो सकता है, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि सेना ने इस पर किसी भी तरह की टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। बैरूत के जो दक्षिणी उपनगर हैं, वहां पर सोशल मीडिया में तमाम जो स्थानीय मीडिया हैं उसमें वायरल हो रही तस्वीरों और वीडियो में नजर आता है कि फुटपाथ पर हाथ या पेंट की जेब में घाव के साथ लोग नजर आ रहे हैं, जख्म के साथ लोग नजर आ रहे हैं। कई तरह की तस्वीरें सामने आई हैं। कोई सब्जी के ठेले पर खड़ा हुआ है, अचानक से धमाका हो जा रहा है। कोई किसी दुकान में खड़ा हुआ है, अचानक से उसके हाथ में धमाका हो जा रहा है। इधर जो हिजबुल्लाह के नेता हैं हसन नसरुल्लाह, उन्होंने पहले समूह के सदस्यों को ये चेतावनी दे दी थी काफी पहले कि वो मोबाइल फोन ना रखें, क्योंकि इसका इस्तेमाल इसराइल की तरफ से उनकी गतिविधियों को ट्रैक करने और टारगेटेड हमलों को अंजाम देने के लिए किया जा सकता है। तो क्या जो बात उसने जो जो नसरुल्लाह ने कही थी, अब वो सही होती नजर आ रही है? शुरुआत में जब ये खबर आई तो ये जानकारी दी गई, जानकारी मिली कि बेरूत के साथ साथ पूरे लेबनान में सैकड़ों लोग अनजान धमाकों की चपेट में आए हैं। बाद में जो सैकड़ों की संख्या है ये 1,000 में तब्दील हो गई, 1,000 से ज्यादा में तब्दील हो गई। पूरे लेबनान के अलग अलग इलाकों में अचानक से लोगों के हाथ में जो रेडियो सेट हैं या पेजर सेट हैं उनमें धमाका हो रहा है। हिजबुल्लाह ने अपने लड़ाकों को तमाम कम्युनिकेशन डिवाइस फेंक देने के लिए कहा है। अब संभावना क्या जताई जा रही है? संभावना यह है कि इसराइल की तरफ से किसी तरह का जो स्पाइवेयर इस्तेमाल किया जा रहा है, इसके जरिए बड़ी संख्या में लेबनान में कम्युनिकेशन डिवाइसेस को पहले हैक किया गया, हैक करने के बाद उसमें विस्फोट कराया गया है। हिजबुल्लाह और इसराइल के बीच जारी जंग में ये अब तक का सबसे चौंकाने वाला घटनाक्रम होगा। हालांकि इस तरह के डिवाइस के इस्तेमाल की बात तब आई थी जब हमास का चीफ मारा गया था, एक रेस्ट हाउस होता है उसमें वो मारा गया था, तब इस तरह की घटनाक्रम आई कि क्या कम्युनिकेशन डिवाइस के जरिए कोई इस तरह का विस्फोट कराया जा सकता है। खैर, इस घटनाक्रम पर लौटते हैं। अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि लेबनान में पेजर में विस्फोट के बाद लेबनान का जो स्वास्थ्य मंत्रालय है वो सभी अस्पतालों को आपातकालीन मरीजों को स्वीकार करने के लिए यानी एक्सेप्ट करने के लिए अलर्ट रहने की अपील कर रहा है। यानी वो कह रहा है कि इस तरह के केसेस और बढ़ेंगे। साथ ही पेजर के मालिकों को उनसे दूर रहने के लिए कहा जा रहा है। स्वास्थ्य कर्मियों को वायरलेस डिवाइस का उपयोग न करने की सलाह दी गई है। उधर जो बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं, अखबार जो न्यूज़ एजेंसियां हैं उनके फोटोग्राफर्स ने क्षेत्रीय अस्पतालों में आपातकालीन कमरों को मरीजों से भरा हुआ पाया है। कई को हाथ में और बाकी अन्य अंगों पर चोट आई है, कुछ गंभीर स्थिति में भी हैं। राज्य संचालित जो नेशनल न्यूज़ एजेंसी है उसका कहना है कि दक्षिण लेबनान पूर्वी जो बेक्का घाटी है, बेरूत है, बैरूत के जो दक्षिणी उपनगर हैं, सभी इलाकों में लोगों से सभी प्रकार के रक्तदान करने की अपील तक कर दी गई है। इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि स्थितियां कितनी विस्फोटक हैं। न्यूज एजेंसी यह भी बता रही है कि बैरूत के दक्षिणी उपनगर और अन्य इलाकों में हैंड हेल्ड पेजर सिस्टम को उन्नत तकनीक का इस्तेमाल करके, जो एडवांस टेक्नोलॉजी होती है उसका इस्तेमाल करके विस्फोट किया गया है। कई लोग घायल हुए हैं। शुरुआत में दर्जन लोगों के घायल होने की बात कही, लेकिन बाद में ये जो आंकड़ा है ये 1,000 के ऊपर चला गया। हिजबुल्लाह एक अधिकारी है, वो नाम साफ साफ नहीं ले रहे हैं, लेकिन वो ये बता रहे हैं कि अलग अलग हमलों में कई लोग घायल हुए हैं। हिजबुल्लाह के सदस्य इसमें ज्यादा हैं। अधिकारी नाम साफ नहीं बता रहे हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि ये सुरक्षा ऑपरेशन का परिणाम था जो इन उपकरणों को टारगेट करने के लिए किया गया था। हालांकि इसका ये जो है ये आगे साफ हो पाएगा कि क्या इस तरह का टारगेटेड जो हमला किया गया है वो भी कम्युनिकेशन डिवाइस के जरिए, उसमें इजरायली पीछे है या कोई और है। दावा यह किया जा रहा है कि इसराइल इस सुरक्षा घटना के पीछे है, विस्तार से वो बताने को तैयार नहीं है। इसके अलावा हिजबुल्लाह के सदस्यों की तरफ से उपयोग किया जा रहा है जो नया पेजर है उसमें लगी हुई है लिथियम बैटरी, जो संभावित रूप से जिसमें माना यह जा रहा है कि संभावना आशंका ये जताई जा रही है कि उसमें विस्फोट हुआ। अब ये आप ये समझ लीजिए कि लिथियम बैटरी जब ज्यादा गर्म होती है तो
तो धुआं निकलने लगता है, पिघल सकती है और यहां तक कि वो आग भी पकड़ लेती है। इस तरह के घटनाक्रम आपने बहुत देखे हैं। रिचार्जेबल लिथियम बैटरी का इस्तेमाल जो किया जाता है वो मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक कार्स, इन सब में होता है। और आप ये जानते हैं कि कितना आग लगने की घटनाएं, विस्फोट की घटनाएं सामने आ रही हैं। एक बात और भी है कि लिथियम की बैटरी 590 अंश सेंटीग्रेड तक का तापमान पैदा कर देती है। ये जो घटना हुई है जो लेबनान में जिस तरह का घटनाक्रम सामने आया है, इसके बाद लेबनान और इसराइल के बीच बढ़ते तनाव की स्थितियों के बीच ये और ज़्यादा तनाव को बढ़ाने वाली होगी। लेबनानी उग्रवादी समूह हिजबुल्ला और इसराइली बलों के बीच तकरीबन 11 महीनों से लगातार झड़प हो रही है। गजा में हिजबुल्ला के सहयोगी हमास के बीच युद्ध की पृष्ठभूमि पहले से ही बनी हुई थी और इसके बाद ये सारा घटनाक्रम शुरू हुआ है। इन तमाम झड़पों में लेबनान और इसराइल दोनों तरफ से सैकड़ों लोगों की जान चली गई है। लेकिन अगर युद्ध के बीच मैं आपको कहूं कि सबसे ज्यादा चौंकाने वाली खबर है तो वो यही है कि क्या वाकई एक कम्युनिकेशन डिवाइस के जरिए इस तरीके का कोई धमाका किया जा सकता है। ये बहुत बहुत चौंकाने वाली खबर है। नमस्कार।